हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं आइसोमेरिज्म। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में किसी फॉर्मेट में पूछा जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, इट मींस आइसोमर्स के बारे में। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? तो पहली बात, आइसोमर्स आर द केमिकल कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इट मींस उनके केमिकल फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं बट उनके स्ट्रक्चर और जो स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, सो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो लुक हियर, आइसोमर्स, लुक हियर, आइसोमर्स इट मींस हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म, सो लुक हियर, आइसोमेरिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो दो हिस्सों में जनरली डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन, इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट वन, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब इनके भी छोटे सेक्शन है, इनको भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स की भी कुछ सब कैटेगरीज हैं, एज वेल एज स्टीरियो की भी कुछ सब कैटेगरीज हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। लुक हियर, स्ट्रक्चर आइसोमर जो मर्स हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन मेटामेरिज्म, देन मेटामेरिज्म, then tautomerism, okay, and the last one, आखिरी की बात करें तो okay, functional group आइसोमेरिज्म। ओके, एंड द लास्ट वन, सबसे आखिर की बात करें तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब आपके जहन में यह बात आती है कि हम इनको लर्न कैसे करें। ओके, तो लर्न करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक फनी ट्रिक और सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जिसके थ्रू आप इन आइसोमर्स के नेम्स याद कर सकते हैं, आप उनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक क्या होगी और इसे कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सो लुक हियर, कि हम कैसे लर्न करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखो, लुक हियर, आई गॉट सी पी एम टी फर्स्ट रैंक। ओके, फर्स्ट रैंक,
तो देखो कितना इजी है, आई गॉट सीपीएमटी फर्स्ट रैंक, आई गॉट सीपीएमटी फर्स्ट रैंक। इसके थ्रू हमें याद रहेगा कि कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं। तो यहां पर हम दो एस लिख देते हैं, ओके, ताकि एक अजंतर के, एक स्टीरियो के लिए और स्ट्रक्चर के लिए। तो अब चलते हैं कि ये सारे आइसोमर्स कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे लर्न करना है। तो देखो आइसोमर्स, आई फॉर आइसोमर्स, एस फॉर स्ट्रक्चर एंड दूसरे एस की मीनिंग स्टीरियो। तो आइसोमर्स स्ट्रक्चर और स्टीरियो। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें स्टीरियो की, तो स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ओके, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ओके। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात करें, तो देखो आपको मिलेगा सी, सी मीन्स चेन आइसोमर्स, ओके, पी पोजीशन आइसोमर्स, ओके, देन एम की बात करें तो एम क्या होगा, मेटामर्स, ओके, या मेटामेरिज्म कह सकते हैं। टी फॉर टी इट इज टॉटो, ओके, टॉटोमेरिज्म। देन उसके बाद एफ यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ओके। एंड द लास्ट वन, आखिरी की बात करें तो क्या होगा, रिंग, रिंग चेन आइसोमर्स, ओके। सो हियर आप देख सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है जिसके थ्रू हम पूरे आइसोमर्स को आसानी से लर्न कर लेंगे। तो आइसोमर्स, यू नो दैट वंस अगेन, आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चर और स्टीरियो, ओके। और अब हम बात करें पहले स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आइसोमर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो देखो पहले चेन, सी फॉर चेन आइसोमेरिज्म, देन पी फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन एम फॉर मेटामेरिज्म, टी फॉर टॉटोमेरिज्म, एफ फॉर फंक्शन आइसोमेरिज्म, ओके, आर फॉर रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ओके। और अगर हम बात करें स्टीरियो की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। तो हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म क्या बना, आई गॉट सीपीएमटी फर्स्ट रैंक, आई गॉट सीपीएमटी फर्स्ट रैंक। आप जानते हो सीपीएमटी यानी इट मींस मेडिकल, जो मेडिकल के एग्जाम देते हैं दे नो वेरी वेल कि सीपीएमटी क्या है। तो इसके थ्रू हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक बन गई, आई गॉट सीपीएमटी फर्स्ट रैंक, और इसके थ्रू हमें सारे आइसोमर्स याद रहेंगे। तो आई के लिए आइसोमर्स एस, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आइसोमर्स की जो कैटेगरीज हैं दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और देन आफ्टर दैट अगर हम स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखा आपने, इतनी आसान ट्रिक है जिसके थ्रू हम सारे आइसोमर्स आसानी से